नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टैली बीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में ना आपको देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन नजारा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सौम्या मंगल से इस कदर चिढ़ने और जलने लगेगी, उसको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी कि यहाँ पर मंगल जो है मंगल से इतनी ज्यादा सौम्या जलने लगेगी कि सौम्या अब मंगल की जान लेने की कोशिश करेगी। जी हाँ, ऐसे में वो दो तीन बार तो कोशिश करेगी, मगर वो हर बार फेल हो जाएगी। और इस बार तो कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप सबके होश उड़ा देंगे। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि सौम्या जो है ना, जब मंदिर में जाएगी हमारी सौम्या मंगल के साथ, तो मंगल को जो है ना बगल की नदी में वो धक्का दे देने वाली है, जिसकी वजह से मंगल की जान भी जा सकती है। मगर शायद ये भगवान का ही इशारा है कि वहां पर एन मौके पर अदित पहुंच जाता है, और वो जब मंगल को पानी में डूबता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही पानी में डुबकी मारता है और अपनी मंगल की जान बचा लेता है। ये चीज देखकर सौम्या काफी ज्यादा इरिटेट होती है, गुस्सा होती है कि इस अदित को भी अभी आना था इसकी जान बचाने के लिए, अच्छा खासा ये मेरे और अदित की जिंदगी से बाहर निकल जाती, मगर अदित ने इसकी जान बचा ली, जिसकी वजह से सौम्या जो है ना अदित से नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। फिलहाल अदित को ये बात नहीं पता है कि सौम्या ने ही मंगल को पानी के अंदर धक्का दिया है। अब जब अदित जो है मंगल को घर लेकर आ रहा है, तो जो कुसुम है वो काफी ज्यादा डरी हुई है और काफी ज्यादा गुस्सा अपने बेटे अदित पर ही होती है कि तुम्हें तो पहले से ही मंगल की कदर रही है, तुमने आज तक मंगल को कोई इज्जत, कोई वैल्यू, कोई मान सम्मान कभी इसकी कदर नहीं की है, वगैरह वगैरह वो वापस से सुना रही है, और उनके गुस्से का शिकार अदित हो रहा है। फिर यहाँ पर जब कुसुम चुप होती है और कुसुम जब काफी सारे सवाल करती है कि मंगल की हालत कैसे हुई है, तब अदित सच बताता है कि मैं मंदिर के पास से गुजर रहा था तो वहां पर ये जो है पानी में डूब रही थी और मैं इसे बचा कर लाया हूँ। और इसकी तो वैसे भी आदत है कि हर जगह जहाँ जाती है वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो यहाँ पर अदित फिर से अपनी पत्नी के लिए बुरे और बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली बातें जो है करने लगता है। अब यहाँ पर मंगल को होश नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कुसुम काफी परेशान है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब मंगल को होश आएगा तो वो क्या सच बता पाएगी कि उसे सौम्या ने ही पानी में धक्का दिया था, और खुल जाएगा सौम्या का राज। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।